नमस्कार दोस्तों, जोहार। हमारे आज की इस छोटी सी वीडियो पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और मस्त भी हैं मौसम में। तो आज दोस्तों आप लोगों को दिखाएंगे हमारे जो पुराना घर है और जिसको हम लोग तोड़े नहीं हैं, जिसका एल्बेस्टर हम लोग रिपेयरिंग नहीं किए हैं, और उसी घर को आज दोस्तों आप लोगों को रिपेयरिंग करते हुए दिखाएंगे। तो रिपेयरिंग करने में क्या क्या सामान लगेगा दोस्तों, आप लोग जरूर इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिएगा और जरूर से किएगा। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये जानकारी सा अगर फटा हुआ रहेगा तो उसको कैसे रिपेयरिंग करेंगे आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे और सीख भी पाएंगे दोस्तों कि कैसे थोड़ा सा फटा हुआ एल्बेस्टर को कैसे रिपेयरिंग किया जाता है। जरूर आप लोग देखिएगा इस वीडियो को। एल्बेस्टर जो फटा हुआ है उसी को ही रिपेयरिंग करेंगे, इसको फेंकेंगे नहीं, काटेंगे भी नहीं। उसके ऊपर ऐसे चीज़ देंगे जो आप लोग हैरान हो जाओगे। अरे देखिए, हम लोग कपड़ा लिए हैं, सादा कपड़ा, जैसे भी कपड़ा हो सूती कपड़ा होना चाहिए। और ये चीनी है, चीनी उसके हिसाब से। और साथ में ये है सीमेंट, उसमें घोल दिया है चीनी को। चीनी का ही उतरा उड़ो गली भी देखिए, इसको मिला दिए हैं चीनी को सीमेंट में। और देखिए पानी भी डाल दिए हैं और उसे पूरा मिक्स करेंगे। अभी चीनी दिखाई भी नहीं दे रहा है और सीमेंट ही है। ये लोग हमारे मिस्त्री लोग हैं, तो कैसे बनाएगा ये लोग दिखाएंगे। पूरा एकदम घोला जा रहा है इस सीमेंट और चीनी को पानी डाल के। दोस्तों मिला रहे हैं अभी चीनी, पूरा चीनी पानी बन गया है और सीमेंट ही दिख रहा है। सीमेंट को भी ज़्यादा गढ़ा भी नहीं बना रहे हैं और इसी सीमेंट और चीनी ये बाली पिपार, इसे हम घुसेंगे ये एल्बेस्टर को, क्योंकि पुराना एल्बेस्टर है, इसमें कुछ गंदा लग गया है, जंग लग गया है, तो सबको साफ करेंगे इसी से। घोस लिखा नहीं है तो देख, आगे आगे देखिए हम लोग कितना डिजाइन कितना बढ़िया बनाएंगे। और मतलब ये निका ना देखिए दोस्तों, और थोड़ा हम लोग जो है सीमेंट लेके आ गए हैं, ज़्यादा पानी हो गया। जैसे ही उसमें डालेंगे एल्बेस्टर में कपड़ा के साथ वो, तो इसको गढ़ा तरफ बनाएंगे। ज़्यादा पानी होने के कारण और थोड़ा सा जो है हम लोग डाल दिए हैं सीमेंट को, चिपकाना चाहिए। देख सकते हैं कितना एकदम ऐसा गढ़ा बन गया है सीमेंट। चीनी पूरा मिल चुका है, रघुवन टूपी है ना। ये देखिए दोस्तों, ये जो कपड़ा है ये वाइट कपड़ा, सूती कपड़ा दोस्तों, पतला, जो सबसे पतला कपड़ा है, तो उसी को उस सीमेंट, घुला हुआ सीमेंट में मिला के अच्छी तरह से उसको भिंगा दिया है। देख सकते हैं ये जो कपड़ा है और सीमेंट, उसी के ऊपर में घोस दे रहा है, जो लेस दे रहा है। देख सकते हैं ये कपड़ा है, कपड़ा और सीमेंट को पूरा एकदम घोल बना दिया है, पूरा मिक्स कर दिया है। देख सकते हैं उसको, जहाँ इस जगह फटा हुआ था, जैसे कि ये जगह पूरा घोस दिया था, वो पेपर से बाली बाली कागज से पूरा घोस दिया। इसके बाद फिर इसमें ये कपड़ा को दे दिया है। देख सकते हैं उधर ये कपड़ा है, जितना बड़ा फटा है उतना बड़ा में ही इसको जो है दे दिया पूरा। देख सकते हैं पानी भी दिया हुआ है, इसमें घोल बना दिया है, पूरा दोगा पानी की तरह दिखाई दे रहा है, तो उसी दोगा पानी को पूरी तरह से मिला दिया है, मिक्स कर दिया है और कपड़ा दे दिया है, और उसी कपड़ा से पूरा अभी लेस दे रहा है, उसी को ही अभी दे रहा है, इसको चिपक चिपका रहा है। ये देखिए, तो ऐसे टेस्टिक ये हम लोग का देसी जुगाड़ से हम लोग ये बना रहे हैं, क्योंकि ये फटा हुआ एल्बेस्टर अगर चेंज करेंगे तो पूरा बड़ा सा एल्बेस्टर खरीदना पड़ेगा, तो हम लोग का इतना बजट नहीं है। छोटा सा फटा हुआ चीज़ में हम लोग इस तरह का टेक्निकल दिमाग लगाते हैं। देखिए दे, तो
इसमें जितना भी बारिश करे पानी जितना भी आए इस नाली पर कभी अंदर नीचे चुभेगा भी नहीं। जहाँ फटा हुआ रहेगा वहाँ तक ये जाएगा भी नहीं। और ये कपड़ा आप लोगों को बता दे रहे, कपड़ा सूती कपड़ा होना चाहिए और सफ़ेद जैसे भी कपड़ा हो कोई भी कलर चलेगा, लेकिन सूती कपड़ा होना चाहिए। बहुत अच्छी तरह से जितना भी बड़ा फटा हुआ रहे ऐसे उपयोग करेंगे, ऐसे इस विधि का उपयोग करेंगे तो आप लोगों का एल्बेस्टर उसी एल्बेस्टर से काम चल जाएगा। अगर मान लो ज़्यादा ही फटा है दो तीन जगह तब भी काम कर सकते हैं। आपके पास बजट नहीं है उतना एक एल्बेस्टर खरीदने का मिनट लगा है। ये देखिए मिस्त्री हंस रहा है। अरे ये मिस्त्री जीभ में लेके चखा था कि मीठा कितना है। जो उनका टेक्निकल दिमाग से काम कर रहे हैं इस ऐसे। और ये कभी जितना बारिश करेगा हल्का सूखने के बाद जितना भी बारिश करे कभी इसमें पानी नहीं गिरेगा नीचे।